हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। सो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं सीबीएसई मॉडल टेस्ट पेपर सब्जेक्ट मैथ्स का क्लास 8 का, जो कि आज लॉन्च हुआ है। दिसंबर 10 का ये वाला पेपर है, मॉडल टेस्ट पेपर है। इसके लिए टाइम है 30 मिनट्स और मैक्सिमम मार्क्स है 15। सो ओके सर फ्रेंड्स, हम इसको कर लेते हैं। बट करने से पहले आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दो, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर ऐसी वीडियोस लाता हूँ, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर दो एंड उस बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 49 को 7 ऑड नंबर्स की सम में हमने करना है एक्सप्रेस। देखो 49 किसके इक्वल हो जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 49 ऑड नंबर, सबसे पहले 1, उसके बाद प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये हमें चेक करता रहना पड़ेगा। सो देखो हम क्या करना है, हमें करना है सबसे पहले 1, 3, 5 एंड 7, ये जो है सभी ये मिलकर कितने हो जाते हैं, हमने ये चेक करना है। ये सभी 1 प्लस 3 4 1 प्लस 3 4 एंड 5 प्लस 7 12, 4 प्लस 12 जो कि आएगा कितना, हमने वैसे करना है 4 प्लस 12 जो कि आ जाएगा 16। ओके 16 आएगा इसका आंसर। अब हमने क्या करना है, आगे हम और लेकर जाते हैं और नंबर्स को, एंड आगे क्या आ जाएगा 9, उसके आगे 11, उसके आगे 13। देखो 7 तक, टिल 7 हमारा आ रहा था 16, एंड अब उसके आगे 16 में अगर हम 9 प्लस कर दें 25 प्लस 11 36, एंड 36 प्लस अगर हम 13 करें सो वो कितना देगा 49, ये हमारा आंसर। सो इसका मतलब है हमारा आंसर ये रहा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। सेकंड क्वेश्चन है, राइट पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज ए 14 एंड बी 18। सो अब देखो सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट 18 है। अगर हम लेते हैं एम की स्क्वायर प्लस 1 18 के इक्वल, पाइथागोरस ट्रिपलेट बताना है हमने, है ना, इन सभी का। सो एम की स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगी, 17 के। अब वैल्यू ऑफ एम नहीं इंटीजर होगी। सो अगर हम ले लेते हैं एम की स्क्वायर माइनस 1 18 के और एम की स्क्वायर 19 के, तो भी जो वैल्यू होगी एम की वो इंटीजर नहीं होगी। सो अब देखो, अब हम सीधा सीधा कर सकते हैं, 2m हम ले लेते हैं 18 और m ले लेते हैं 9। सो m की स्क्वायर जो क्या देगी 81 माइनस 1 80, सो m की स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 80 के इक्वल। अब m की स्क्वायर प्लस 1, m की स्क्वायर कितनी आ जाएगी 81 प्लस 1 हो जाएगा 82। सो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, द पाइथागोरस ट्रिपलेट इज 18, 80 एंड 82। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो अब ये सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है 14। अब देखो अगर ये 14 है वैसा ही जैसे कि पिछले हमने पिछले पार्ट में किया था, स्टार्टिंग में तो सेम वैसा ही होगा क्योंकि वो स्क्वायर वाला हम फॉर्मूला अपनाएंगे। सो हमने क्या किया कि 2m हमने 14, अब वो तो हम पता ही है हमने स्टार्ट कहाँ से कर लिया, m इज इक्वल टू 7 से हमने स्टार्ट कर लिया, क्योंकि 2m 14 है। सो m किसके इक्वल होगा, 7 के। m की स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 की स्क्वायर प्लस 1 के। सो 7 की स्क्वायर कितनी हो जाती है 49 प्लस 1 50। सो ये m की स्क्वायर प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 50 के। m की स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 की स्क्वायर माइनस 1 के, जो कि 49 माइनस 1 आ जाएगा 48। अब देखो 14 की स्क्वायर प्लस 48 की स्क्वायर, ये चेक करने के लिए देखो 48 की स्क्वायर जो कि हो जाएगी 1304 एंड 14 की स्क्वायर 196। अब ये दोनों प्लस होकर हो जाएंगे इक्वल टू 2500 जो कि हो जाते हैं 50 की स्क्वायर। सो ये चेक भी हो सकता है। सो जो ट्रिपलेट है पाइथागोरस ट्रिपलेट वो है 14
48 एंड 50। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में 169 माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 168 के। ये हमारा सब्स्ट्रक्शन मेथड के साथ हम कर रहे हैं। 168 माइनस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 165 के। 165 माइनस 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 160 के। 160 माइनस 7 किसके इक्वल हो जाएगा, 153 के। 153 माइनस 9 किसके इक्वल हो जाएगा, 144 के। 144 माइनस 11 इक्वल हो जाएगा, 133 के। 133 माइनस 13 इक्वल हो जाएगा, 120 के। एंड 120 माइनस 15 इक्वल हो जाएगा, 105 के। 105 माइनस 17 इक्वल हो जाएगा, 88 के। एंड 88 माइनस 19 हो जाएगा इक्वल 69 के। 69 माइनस 21 आ जाएगा इक्वल 48 के। एंड 48 माइनस 23 इक्वल हो जाएगा 25 के। अब उसके आगे 25 माइनस 25 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। सो सिंस इट इज कम्प्लीटली सब्सट्रैक्टेड एट 13th टाइम बाय सब्सट्रैक्टेंट मेथड, सो स्क्वायर रूट 169 का कितना हो जाएगा, 13। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको 9408 का स्केयर रूट निकालना पड़ेगा। एंड जब आप स्केयर रूट निकालोगे, देखो सबसे पहले तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये फर्स्ट बन जाएगा पेयर, 2 मल्टीप्लाई 2 ये दूसरा पेयर बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 ये तीसरा पेयर बन जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 7 ये चौथा पेयर बन जाएगा। बट अकेला 3 ही है जिसका कोई भी पेयर नहीं बनेगा, सो इसलिए हमें इसको 3 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो 9408 अपॉन 3 किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 49 के, क्योंकि जैसे पहले था। अब देखो आगे क्या करना है, ये दोनों को हम कर देंगे कट, कट तो करा देगा इक्वल 3136 के इक्वल। अब देखो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 64 मल्टीप्लाई 49 के। अब हमने इन सभी का स्क्वायर रूट निकाल लेना है। सो देखो 3136 का स्क्वायर रूट एंड आगे वो इक्वल किसके हो जाएगा, 64 किसका था 8 का एंड 7 किसका था 49 का। अब आगे 3136 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 मल्टीप्लस 7 कितना हो जाता है, 8 मल्टीप्लस 7 हो जाता है 56, यानी हमारा आंसर है 56। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए 7921 बाय डिवीजन मेथड, बी 51.84 बाय डिवीजन मेथड। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट का आंसर है एंड ये है हमारा बी पार्ट का आंसर। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक गार्डनर के पास 998 प्लांट्स है, वो प्लांट करना चाहता है उनको एक ऐसे वे में सच दैट कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन करे सेम। सबने फाइंड करने हैं मिनिमम नंबर्स ऑफ प्लांट्स उसको और कितने चाहिए ये काम करने के लिए। ओके सो फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, 998 किसके इक्वल हो जाएगा, 31 रेज अप टू बार 2 यानी 31 के स्क्वायर। अब 1024 उससे सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट के स्केयर है वो जो कि है 32 की स्केयर। सो प्लांट्स नीडेड हम कैसे कर देंगे, 1024 माइनस 998 कर देंगे जो कि आ जाएगा 26। सो और जो प्लांट्स चाहिए वो हैं 26। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।